गाइस, हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, क्या चल रहा है? होपफुली सब कुछ अच्छा चल रहा है, मजे में चल रहा है। एंड लेकर आ गई हूँ खान सर की एक और वीडियो। एंड मैं जानती हूँ कि आप सब लोग जो है ना कारगिल वाली वीडियो की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं और उसका वेट भी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये वाली वीडियो की ऑलरेडी रिक्वेस्ट आ चुकी है PNS गाजी, और ये वीडियो को हम लोग पहले देख लेते हैं और बहुत जल्दी मैं कारगिल वाली वीडियो भी लेकर आऊंगी। सो ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप लोग भी अपनी रिक्वेस्ट मुझे भेज सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड मुझे कमेंट करके बताना कि और किसके वीडियोस पे रिएक्शन चाहिए है। एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहां पर DM भी कर सकते हो, लिंक भी शेयर कर सकते हो, जैसे आप लोगों को कंफर्टेबल लगे। तो चलते हैं हम लोग हमारे वीडियो के साइड पे, बाकी की बातें करेंगे हम लोग वीडियो खत्म होने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चल चल चल, भारत के मारे को आई चुट्टा आ गया सब। आज ये मोदी जी को बर्गर खिला रहा है सब, और वहां से उड़ के बम गिरा के उतर के सुस्ता था सब। बहुते मारे हैं, ढाका में बम गिराए हैं, हल्का लगा ना तो भाई कहीं ना कहीं से पचकेगा। अब पचका वो अंदर है, तारपीडो और बारूद रखा, मारा तो हल्का मर गया। सुबह लाशे ऐसे तैर रही थी, आज ले आया गया ऐसे घिंच घाच के रख दिया गया। पाकिस्तानियों को चाहिए तो ले जाना, नहीं तो हमारे यहाँ कौवा गीत बकुला का कमी नहीं है। बूढ़ बूढ़े एक पंडुबी थी जो पानी के अंदर चलती थी। पंडुबी क्या चलती थी? पानी के अंदर। पंडुबी हमेशा पानी के अंदर चलते हैं सब, और अंदर अंदर मिसाइल मार देते हैं सब। तो उसका नाम था गाजी, PNS गाजी। वो पंडुबी अमेरिका के लिए था, लेकिन अमेरिका भारत से नफरत करता था, इसलिए उसने किसे दिया था? पाकिस्तानी को दिया था। अब उसने टारगेट दिया PNS गाजी को कि तुम निकलो और सीधे जाओ हिंद महासागर होते हुए बंगाल की खाड़ी, तुम्हें किसी को नहीं मारना है, विक्रांत को मार के गिरा देना। अब देखिए, पंडुबियों को साइलेंट किलर कहा जाता है। हिटलर की सबसे बड़ी ताकत पंडुबी थी, पानी के नीचे रहती, पता ही नहीं चलता कब मार के चल जाए। अब भारत को टेंशन हो गया, इसे जुड़ा तो मार के गिरा देगा, बहुत खतरनाक। लेकिन इन चट्टों ने जो बात किया यहां से, जैसे वो केरल को क्रॉस किए थे तो उन्होंने इनका एक रेडियो सिग्नल हमारे इंजीनियरों ने ट्रैक कर लिया, उस पर उन्होंने एक लुब्रिकेंट मांग रहे थे। जो लुब्रिकेंट जो होता है लिक्विड, वो केवल पनडुब्बी में प्रयोग होता है। तो भारत को पहले ही पता चल गया कि PNS गाजी निकल चुकी है। अब मेन खतरा था विक्रांत को बचाना, क्योंकि अगर विक्रांत डूब जाता तो पूरी सेना का मनोबल डूब जाता, क्योंकि पूरी सेना का सबसे बड़ा हथियार था INS विक्रांत। इतना बड़ा था कि इसके ऊपर जो पानी वाली जहाज थी और इसके ऊपर एयरपोर्ट बनाया गया था, उस पर एयरफोर्स के जहाज उतरते थे, और उन जहाजों को ये क्या करता था, घाटे लगा देता था ले जाके घाट पे, बांग्लादेश के घाट पे, और वहां से उड़ के बम गिरा के उतर के सुस्ताता था सब। बहुते मारे हैं, ढाका में बम गिराए हैं। ये इतना बड़ा था कि ना इसके पास खाने की कमी थी, ना राशन की कमी थी, ना आराम करने के लिए कोई दिक्कत था, ना ही इसके पास कोई भी डीजल पेट्रोल की कमी थी। इतना बड़ा था, यहां से भीगना पहाड़ी पर था, उतना बड़ा यहाँ पे 200 मीटर, इतना लंबा था यहाँ पर, बहुत ज्यादा था। अब बताइए ये, अब दिक्कत था यार, इसको गिरा था। PNS गाजी के पास क्षमता थी, वो डुबा देता विक्रांत, विक्रांत नहीं बच पाता, क्योंकि वो अमेरिका का सबसे खतरनाक पनडुब्बी थी। अब भारत सरकार को डर हो गया, तो इसको क्या किया गया ना, विक्रांत को छुपा दिया गया। कहां छुपाया गया किसी को नहीं पता, बस हम आपको इंटरनल बताते हैं कि अंडमान निकोबार में था, बट हम वो नहीं बता सकते आपको कि अंडमान में कहां था, क्योंकि सबके लिए जिम्मेदारी होती है। जैसे आप किसी चीज को जानते हैं तो आप जानते हैं तो बहुत सारे लोग आपकी बातों को ध्यान नहीं देंगे, ना ही आप बातों को उतना पहुंचा सकते हैं, लेकिन हम अगर बोल देंगे तो बात पहुंच सकता है और आगे जाके दिक्कत हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो उतना ही जानिए जितना बड़ा आपका काम है, क्योंकि देश के प्रति हमारी भी जिम्मेदारी है, और हमको भले हम फौज में नहीं जा सके लेकिन जिम्मेदारी एटिकेट्स आज भी पूरी तरह फौजी वाला है। वो अलग बात था कि हमारा मेडिकल में हाथ टेढ़ा है, नहीं तो आज हम भी उसी में गए रहते, और आप लोग को एक और कहानी सुनने को मिलता है कि एक और युद्ध हुआ था, हमारा भी टेढ़ा है क्या? हमें वेट करने वाले नहीं थे लोग, मार के निकलो यहाँ पर। तो कहां छुपा दिया गया? अंडमान निकोबार। कहां छुपा गया? अंडमान निकोबार। और क्या किया जाए, तो इस PNS गाजी को मारने के लिए डेप चार्जरों की जरूरत थी। डेप चार्जर एक ऐसा बम होता है जो ड्रम बराबर होता है, बहुत भारी होता है, और नीचे जाकर ब्लास्ट करता है, और ब्लास्ट करता है तो इतना तेज पानी का झटका मारता है कि पनडुब्बी अंदर से पचक जाती है, समझे? जैसे पानी का झटका मारेगा इसे यहां पर, तो पनडुब्बी क्या होगी? पनडुब्बी की दीवारें ज्यादा मोटा तो बना नहीं सकते, भारी होगा धंस जाएगा, लोहे की होती है, ज्यादा मोटा जैसे दबेगा अंदर का कुछ इंस्ट्रूमेंट दबेगा, वायरिंग अलग होगा, कुछ ना कुछ ब्लास्ट कर जाएगा। अब हवाई जहाज है, हवाई जहाज अगर दब जाएगा तभी से तो गिरना उनका फिक्स है, नहीं समझ रहा?
अब वो डेप्थ चार्जर जो था वो था केवल INS राजपूत के पास, और INS राजपूत का इंजन खराब था, वो सर्विसिंग के लिए आया था विशाखापट्टनम। कहां था? विशाखापट्टनम। युद्ध दिमाग से जीता जाता है। तो नौसेना के अधिकारियों ने कहा कि एक काम करो, हल्ला कर दो ना कि INS विक्रांत विशाखापट्टनम आया है, ताकि PNS गाड़ी खोजते खोजते उसको कहां आएगा, विशाखापट्टनम। अब विशाखापट्टनम में उनके अब्बा इंतजार कर रहे हैं INS राजपूत। तो अब हल्ला कैसे किया जाए? हल्ला ऐसा करना है, झूठ ऐसा बोले कि सच लगे। तो क्या किया गया, INS विक्रांत पर जितने सैनिक तैनात थे उस समय 2500 फौजी थे, उन सबके घर पे मैसेज भेजा गया कि INS विक्रांत जो है विशाखापट्टनम आ रहा है। INS विक्रांत कहां आ रहा है? विशाखा। जिनको जिनको अपनी फैमिली से मिलना है मिल लो, और सब लोग आगे लोग विशाखापट्टनम हमारा मिलना, हमारा बबुआ है तो कैप्टन हो लो, कोनो करे हमारा बाबू है तो खाना बनाता है। सबका अलग अलग उसमें डिपार्टमेंट होता है, कोई खाना बनाने वाला है, कोई सेलर है, कोई रडार मेंटेनेंस है, कोई डीजल मेंटेनेंस, सब आ गए लोग वहां पे। विशाखापट्टनम में हल्ला हो गया यहाँ पर, और विशाखापट्टनम की सब्जी मंडी में ऑर्डर दिया गया कि हमको 6 महीने का सब्जी चाहिए, 2000 किलो आलू, 10000 अंडा चाहिए, बॉयल अंडा चाहिए होता है ना एनर्जी। देखिए नॉनवेज में एक खासियत होती है कि आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देता है, नॉनवेज होता है अंडा मीट मांस, आपको इंस्टेंट एनर्जी दे देता है। और युद्ध लड़ने के लिए ये सब चीजों को थोड़ा सा जान, और वैसे भी कहा जाता है ये राक्षसी भोजन है, तो मार करने के लिए राक्षसी ये ना चाहिए, नहीं समझ आए, सात्विक भोजन करके मार करिएगा, सात्विक भोजन करके आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, मार करना है तो कौन सा भोजन। अब जब अंडा का इतना डिमांड हुआ, मीट का इतना डिमांड हुआ, चावल का डिमांड हो गया, पूरा मंडी में हड़कंप मच गया, सारा दुकानदार खोज रहा, अरे हमारा 10000 अंडा का ऑर्डर आया है, 21000 है तुम्हारे पास, है कोई पूछे क्या होगा क्या होगा, अरे विक्रांत आ रहा है, विक्रांत आ रहा है। अब पाकिस्तानी जासूस घूम रहे थे सब विशाखापट्टनम में, वो सब तुरंत पाकिस्तान फोन किया, एक तगड़ा न्यूज है विक्रांत आ रहा है, तेरा विक्रांत आ रहा है, कोई विक्रांत नहीं आ रहा था यहाँ पर, समझ आ गया कि नहीं। देखिए झूठ को इतना सफाई से बोलिए कि लगना नहीं चाहिए, समझ आ गया कि नहीं। विक्रांत आइए नहीं जाता वहां पे खड़ा खड़ा हुआ तो कौन INS। खबर किसको दिया गया? पाकिस्तानी ने खबर किसको दे दिया? PNS गाजी को। PNS गाजी विशाखापट्टनम की ओर जा रहा था जहां पे छुपा हुआ था विक्रांत, इसको खबर हुआ तो मुड़ गया कहां की ओर? विशाखापट्टनम की ओर। और विशाखापट्टनम पे कौन खड़ा था? INS राजपूत। INS राजपूत के सारे नेविगेशन को बंद किए गए थे, INS राजपूत का इंजन मेंटेनेंस में था बंद था, कुछ भी INS राजपूत हलचल नहीं कर रहा था, जहां हलचल होगा ना तो उसमें सोनार लगा होता है, हलचल को पकड़ता है सोनार, हलचल को पकड़ लेता, कोई हलचल नहीं था। लेकिन PNS गाजी का तो इंजन चल रहा था, इसका हलचल तो पता चल रहा था। INS राजपूत को खबर लगा कि पानी में कुछ हलचल है, और इससे हमला तो कर नहीं सकते, क्या पता अपने जा दिया हो, तुरंत PNS गाजी को पहले ही बता दिया गया था कि INS राजपूत के पास कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा। तो INS राजपूत को पता था कि ऑर्डर दिया गया कि हमारे पास कोई नहीं आएगा, अब कोई आया है तो मरने आया है। मारा PNS गाजी को, डेप्थ चार्जर मारा गया, एक डेप्थ चार्जर गया, दूसरा गया, उसके बाद अचानक से डेप्थ चार्जर फटता तो उतना तबाही नहीं आती, वो अंदर बल झटका देता है, तो पहला झटका लगा अंदर पानी हिल गया, दूसरा झटका लगा पानी हिल गया, कुछ नहीं हुआ, एक बार दो डेप्थ चार्जर था, बिगड़ा था ना INS राजपूत, अभी मारे कैसे यहां पे। आधा घंटा बाद अचानक जैसे लगा कि पानी के अंदर परमाणु बम फटा है, PNS गाजी में जो छेद हुआ था ना, झटका लगा था, वो उसी कंपार्टमेंट में हो गया था जिसमें उसने बारूद रखा था, उस अपने बारूदवा से भड़क गया था, यहां पर झटका लगा ना तो भाई कहीं ना कहीं से पचकेगा, पचका वो अंदर तारपीडो और बारूद रखा, मारा तो हल्का मच गया, सुबह लाशें ऐसे तैर रही थी, ले आया गया ऐसे घिंच घाच के रख दिया गया पाकिस्तानियों को, चाहिए तो ले जाना, नहीं तो हमारे यहाँ कौआ गीत बपला का कमी नहीं है, गीत दूध खा जाएगा सब यहाँ पर, समझा गया कि नहीं। तो यहाँ पे अब पाकिस्तान का पूरा मनोबल गिर गया था, अब अमेरिका का भी मनोबल गिरा, वो का टैंक यहाँ छोड़ के भाग गया, अब PNS गाजी गिर गया यहाँ पर, अब भी ऐसा जहाज मारा जो खराब था, INS राजपूत खराब था, मार के गिरा दिया यहाँ पर। अब पाकिस्तानी इधर मुक्ति वाहिनी, इधर कौन है? मुक्ति वाहिनी। अब मुक्ति वाहिनी थोड़ी सी कमजोर पड़ रही थी क्योंकि वेल ट्रेन तो फौजी थे नहीं। अब भारत ने क्या किया, अपनी इंडियन आर्मी को कहा कि लुका छिपी नहीं होगा, इंदिरा गांधी थी बड़ी ढीठ थी, इसीलिए आयरन लेडी कहा जाता, बहुत ढीठ थी,
लोगों ने उन्हें समझाया कि कूटनीति डिप्लोमेसी नहीं करता, आप मुक्ति वाहिनी को आगे कीजिए, इंडियन आर्मी को पीछे से सपोर्ट कीजिए, कोई क्या कहेगा? इंदिरा गांधी के बाहर में जब कोई क्या कहेगा, यहाँ पे हम महिला है, हमको इस सबसे मतलब नहीं बनता, कोई क्या कहेगा, मारो इसको, महिला सबको ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। देखिएगा शादी ब्याह में ना दूल्हा जाएगा तो चावल फेंकते चलेगा, बाबू के कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, कोई कुछ चुका है, हमको क्या मतलब है। अच्छा बता, आप अपने पिताजी से कहिएगा या चाचा जी से कि ब्याह हो रहा है आप चावल फेंकते जाइए, थमा देगा लोटा आपको, फेंक तो ब्याह हो लो। महिला सब उसे आपको बस अपना टारगेट दिखता है, बबुआ का ब्याह हो रहा है, मेरा राग अच्छा है या नहीं है, कोई क्या बूढ़ बूढ़े बाबू ब्याह हो। हम तो समझने की कोशिश करते हैं आखिर ये बूढ़ी माता गा क्या रही है, पॉइंट समझ में नहीं आता क्या गा रही है, करते नहीं आता समझ में, आप लोग को समझ में आता है नहीं, समझ में नहीं आता, लेकिन उनको बिलीव होता है कि एकदम लता मंगेशकर है वो। आप लोग को भी समझ में नहीं आता, तू लोग भी बूढ़ा होगी तो ऐसे ही करेगी लोग, हमें तो समझ में ही नहीं आता कहां से क्या करेंगे। तो इंदिरा गांधी कही गए लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, मुक्ति वाहिनी लो, इंडियन आर्मी को तुरंत आदेश दी, मानेकशॉ से कहेंगे अब लड़िएगा ना, अरे हम पीछे कब हटे थे, मानेकशॉ कहेंगे एकदम एक नंबर, घुसा दिया इंडियन आर्मी अंदर, इंडियन आर्मी जो तहलका मचाई जिसका कोई हद नहीं। लेकिन इंडियन आर्मी का मेन मकसद बांग्लादेश को स्वतंत्र कराना था, जो यहाँ पे यहाँ के जो राज्यपाल थे, क्योंकि शेख मुजीबुर रहमान को तो गिरफ्तार कर लिया गया तो राज्यपाल शासन लग जाता, राज्यपाल जो घर में थे तो इंडियन आर्मी उनको नाश्ता करने के बहाने बाहर बुलाई और घर पर बम गिरा दी, उनको समझाई कि देखिए आपको बाहर निकाल के बम गिरा है। आज लिया भाई अब बताइए उस इंसान पे कितना बुरा, उसका मनोबल कितना गिर जाएगा जिसको घर से बाहर निकाल के बम गिराइए, घर देख रहा है कहां घर गिर गया है, उसकी पत्नी गलिया दिए रेत चोटा, तू सरेंडर करेगा कि हम तोरा मारे, हम यहाँ पे हम ना मरते तोरे साथ, भाग यहाँ से यहाँ पे। अब भाई राज्यपाल के सरेंडर करने से सरेंडर थोड़ी हो जाता है, अब बिहार के राज्यपाल सरेंडर कर देंगे तो क्या बिहार सरेंडर हो जाएगा, राज्यपाल के हाथ में नहीं होता, लेकिन एक संकेत होता है ना कि तुम्हारा कमांडर गया काम से यहाँ पर। अब वहां पर काम किया सबसे जबरदस्त बीबीसी वालों ने, बीबीसी ये न्यूज वाले हैं सब, बीबीसी वाले ने, देखिए भारत सरकार ने क्या किया, पैरा कमांडो को उतारा, पैरा कमांडो को, तो पैरा कमांडो जो पैराशूट से उतरते थे स्तंभ, उस पैरा कमांडो के बीच में जैसे उतरे लोग तो कीचड़ में फंस जाते थे, तो पैरा कमांडो भी अचानक आके हमला करने के लिए बहुत प्रसिद्ध होते हैं ना, तो पैरा कमांडो उतारा गया, इसका खबर किसको लग गया, बीबीसी को। अब भारत की एक स्ट्रेटजी थी पैराशूट से पुतला गिराना था, मतलब सेना नहीं पुतला, आई बीबीसी ने कह दिया कि 5000 कमांडो उतारे गए हैं, हवा से कितने कमांडर उतारे गए, पारा कमांडो सबसे खतरनाक होते हैं, पूरी इंडियन आर्मी का सबसे खतरनाक पारा ऐसे कमांडो होते हैं जो ऑरेंज मैरून कलर का कैप पहनते हैं, पारा कमांडो उनका परेड भी अलग होता है, सारे लोग परेड जो करते हैं ना ये कदम ताल पे करते हैं, अब वो नहीं, वो हथियार लेंगे वो कूद के ऐसे ऐसे उनका परेड होता है, वो कभी चलते नहीं है, पारा कमांडो कभी भी आप परेड में ऐसे नहीं देखेंगे चलते हुए यहाँ पर, वो हमेशा हथियार लेके ऐसे और ऐसे 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 चलेंगे, जितना दूर जाना है उनको ऐसे ही कूदते जाते हैं, पारा कमांडो उतारा गया किसको, पारा एसएफ को, पारा स्पेशल फोर्सेस को, उतरे थे तो 200-300, बाकी पुतला था, और पुतला भी था तो 250 पुतला था, बीबीसी वाला हल्ला कितना कर 5 लोग, और बीबीसी इतना बड़ा न्यूज चैनल है ना कि लोगों ने बिलीव कर लिया, पाकिस्तान वाला डर गया, अच्छा मुक्ति वाहिनी मार रहा है, इंडियन आर्मी मार रही है, एयरफोर्स मार रही है, नेवी मार रही है, ये बचा था सब 5000 कूद गया, सब किसके घर पे कूदा है सब कोई इसको क्या पता, अब कोनो घरे का ऊपर का दरवाजा बंद करके भाग गया, सब भाग सीढ़ी वाला बंद कर दो, कूदा है सब 5000 कहाँ है। अब पाकिस्तानी आर्मी का तो हालत खराब हो गया, पाकिस्तान को लगा अब कुछ नहीं हो सकता है, तब ये अपने अब्बा को बुलाया अमेरिका, अमेरिका को कहा कि हमारी जान बचा लीजिए, आपको जहां सेना का अड्डा कहना होगा हम यहां दे देंगे, यहां दे देंगे, आपका मन आप हमारे घरे में रहिएगा, हमारे ससुराल में रह जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका मन करे तो आप जहां मन वहां रहिएगा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी पत्नी वाला भी आपको कमरा दे देंगे, चलिए
अमेरिका चल आया हमला करने, भाई इन सब के पास इज्जत नाम की तो कोई चीज नहीं है, अरे तुमसे लड़ रहे हो बहादुरी से लड़ रहे हो, यहाँ पर हमारे मेजर चांदपुरी को आदेश आया था कि नहीं पीछे हटने के लिए, हटे थे क्या वो, इन चोटों के पास पूरी हार गए थे, कहा हम आपको अड्डा देंगे सेना का अड्डा, तो जहां आना रही है यहाँ पर, अमरीका को तो पुराना दुश्मनी था भारत से, उसको याद आया था हम पर टोटा से उसको किसने लतियाया था, भारत सारा खेल किसका रचा था भारत, अब अमरीका चल दिया यहां से बेड़ा लेकर अपना युद्ध करने के लिए, कहां से चला था अमरीका, अपने यहां से चल गया, अमरीका को बुलाया कौन, कहा कि बांग्लादेश को बचा लीजिए, पाकिस्तान अमरीका यहां से चल दिया अपना बड़का जहाज लेकर, सातवां बेड़ा कौन था बेड़ा, हम लोग का जो INS विक्रांत था ना उससे डबल बड़ा ये था सातवां बेड़ा, इतना बड़ा जहाज था कि इसके ऊपर 40 उड़ने वाले जहाज आते थे, इसके में परमाणु बम था, परमाणु बम लगा हुआ था किसमें, सातवां बेड़ा में, और इसके साथ पनडुब्बी डिस्ट्रॉयर फ्रिगेट, मतलब ये जब चला था तो अपने साथ 30 से 35 पानी वाली जहाजों को लेके चला था, ये अकेले चलता ही नहीं था, इतना खतरनाक चल दिया सातवां बेड़ा लेके यहाँ पर, अब भारत का हालत खराब, ये अकेले युद्ध का गेम पलट देता, पूरे इराक को अकेले हरा दिया था सातवां बेड़ा, अकेला गेम पलट देता, इसका परमाणु बम से लेकर, और दूसरा एक बात और होता है ना, देखिए गांव का बहुत बड़ा दबंग आदमी आपको एक तमाचा मारेगा ना तो आप बस कॉम्प्रोमाइज करिएगा, आप पलट के उसको नहीं मारते, और ये सबसे बड़ी गलती हो जाती है, पलट के मजबूत इंसान को कभी नहीं मारना चाहिए, अब मारना चाहिए तो एक बार में उठना नहीं चाहिए, एक बार में अगर उठना नहीं चाहिए उसको कभी भी नहीं, कितना भी बड़ा रहे यहाँ पे एक बार में उठना नहीं चाहिए, कहियो कुछ मार दो तुरंत, लेकिन एक बार भारत ने कहा कि कुछ भी हो जाए सातवां बेड़ा आओ, मानते हैं कि नहीं लड़ पाएंगे तुमसे क्योंकि हमारी पास उस समय टेक्नोलॉजी नहीं, मारेंगे तो तुमको हम पक्का, ये चुट्टा अमरीका ब्रिटेन को भी बुला लिया, चल 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 मारेंगे वो लोग, चल चल चल, फ्रांस को भी बुला लिया, चल 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 भारत के मारे को, आई चुट्टा आ गया सब, आज ये मोदी जी को बर्गर खिला रहा है सब, समझा गया कि नहीं, पिज्जा खिलाता है सब, लेकिन ये चुट्टे मारने आए थे सब हम लोग को, इतिहास कोई भूल जाए हम ना भूलने वाले हैं, ना भूलने देंगे, अभी नहीं भूलना चाहिए इतिहास, खान सर तो भूलने नहीं देंगे, ये हम मानते हैं कि हम लोग मतलब हम लोग भी लिट्टे का मतलब हुआ था युद्ध में सब कुछ दिया, लेकिन अमेरिका भी शरीफ नहीं है, युद्ध में कोई अंतरराष्ट्रीय रिलेशन में हम लोग को देश देखना है, शराफत नहीं, समझा सब आया था मिल के मारने, इंदिरा गांधी की तो हालत खराब हो गई, इन्होंने कहा रशिया को याद है कुछ गैलो हमारा हालत खराब, यह सब लेके आए, आई चोटा बहुत कमीना होता है सर, पहले अमेरिका आएगा फिर ब्रिटेन आएगा फिर फ्रांस आएगा, उसके 29 देश आ जाएंगे सर नाटो सेना लेकर, अब 29 देशों से एक आदमी अकेले लड़ पाएगा, वो भी भारत जैसा उस समय 1971 में विकासशील देश, हमारे पास कुछ भी नहीं था उस समय, फैक्ट्री तक बढ़िया से नहीं थी, रूस ने कहा कोई दिक्कत नहीं जैसे नो हम भी भेजते, इसने भेज दिया अपना 40वां बेड़ा, 40वां बेड़ा आके हिंद महासागर में लग गया, 40वां बेड़ा के साथ जितने भी पनडुब्बियां थी इसने उस समय 8-9 को पनडुब्बी भेजा था, और हर पनडुब्बी में परमाणु हथियार थे सर, पनडुब्बी को रूस ने जानबूझ के पानी के ऊपर ले आ दिया कि देखो यहाँ पे चारों से सजा दिया, जहाज वहां सब सजा दिया यहाँ पर, और विक्रांत को कहा कि निकलो अब तुम कहां से अंडमान निकोबार, मारो इसको धाव के, अब भारतीय सेना पूरा समझ गई कि सुपर ओवर खेलने के लिए तैयार थी, इंडियन आर्मी चारों ओर से घेर ली, एयरफोर्स चारों ओर से घेर ली, नेवी घेर ली, इसने कहा कि हम गारंटी लेते हैं कि इस चोट्टा में से एक वो अंदर नहीं आएगा, बाकी तुमको धोना है तो धो दो, इंदिरा गांधी मानेकशा से कहीं सुन रहे ना, मानेकशा कहा कि आपको सुनाने की जरूरत नहीं, काम चालू है, वर्क ऑन प्रोग्रेस, इतना मार मारा गया बांग्लादेशियों को जिसका कोई हद नहीं, और यहां आके खड़ा हो गया कौन सा 40वां, अमरीका यहां पहुंच गया इसका बेड़ा सातवां बेड़ा, इस सोचा इधर से निकले तो इधर आ जा रहा था, सोचा इधर से निकले तो इधर आ जा, नहीं अजराने का तरीका आप तो ना देख लेते, चल तो तुम नहीं गांव में तो जो तो हमारी खेत में यहाँ आओ तो देखते हैं, अब इसके ऊपर मिसाइलें तैनात थी ऑटो एयर डिफेंस की मिसाइलें, इसके पास जो एयर डिफेंस S-400 अभी भी कितना तगड़ा है, कोई आता है S-400 के आगे कोई, इसने अपने एयर डिफेंस को एक्टिवेट कर दिया, और वो एयर डिफेंस इतना खतरनाक था कि 400 किलोमीटर के दायरे में कोई भी आएगा ना तो जहाज के कैप्टन को वार्निंग दे देगा कि आ गए हैं एक आदमी नाश्ता के लिए, 400 किलोमीटर दूर पहले कैप्टन को बता देगा कि खाना पीना छोड़ो लग जाओ,
और अगर 300 किलोमीटर तक आ गया तो पूरे जहाज पे वार्निंग बजा देगा, पूरा सायरन बजा देगा कि आ गया है कोई 300 किलोमीटर दूर है। 200 किलोमीटर पर रहेगा तो सीधा खबर भेज देगा मॉस्को कि छोटा कुछ नहीं किया है सब अभी तक, हम उसको 400 किलोमीटर से वार्निंग दे रहे हैं अभी तक काय नहीं किया यहाँ पे, और 100 किलोमीटर के दायरे में आ गया तो कहेगा बाहर में जाओ मार देते हैं खुद। रूस ने पूरे अपने एयर डिफेंस को एक्टिवेट कर दिया, अमेरिका को बता दिया कि दम है तो आ जाओ, अमेरिका 400 किलोमीटर दूर से कह रहा था वापस चल जाओ ठीक नहीं होगा, वापस चल जाओ ठीक नहीं होगा। कहा अमेरिका ने कहा कि हमारे पास 150 से ज्यादा परमाणु हथियार लेके आए हैं, छोड़ेंगे नहीं भारत को, इस बार हमेशा श्रीलंका समझाएगा, श्रीलंका से भगा दिया, नेपाल से भगा दिया, आपकी नहीं जाएंगे हम, हमारे पास 150 से ज्यादा परमाणु हथियार है। रूस ने कहा कि जब हम चले थे तो हमें बहुत जल्दबाजी थी इसलिए हम गिनती नहीं किए, लेकिन लगभग 300 से ज्यादा है। कहा कि हम गिने नहीं है लेकिन 300 से ज्यादा, गिनती चालू थी 300 के बाद, अगर हम गिने नहीं जल्दी में आना था, हमको इस सब का धमकी मत देना बहुत महंगा पड़ेगा। तो इंग्लैंड कहा था और वी आर लेट वी शुड रिटर्न और यू मस्ट हैव टू रिटर्न, तुम्हें लौटना ही होगा। चल गया ब्रिटेन, चल गया यहां से, ब्रिटेन को एहसास हो गया था कि 1857 नहीं है, देश आजाद हो चुका है। और आपको जानकर ताज्जुब होगा, जूता भिगा के मारना किसे कहा जाता है, ये INS विक्रांत जो था ना ये ब्रिटेन से खरीदे थे लोग। भर रास्ता अमेरिका ब्रिटेन को घंजाया था, थोड़ा बेचला बिना जरूरत था, काहे बेचारे तुम उसको भर रास्ता कर आया था। और कर व्हाट विल आई डू, आई डोंट नो द व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर, वो क्या पूंजी पर फ्यूचर में क्या हो जाएगा। अब जाओ तुम यहां से, अब यहां से जब ये लोग चल गए, 1.5 महीना बाद गया था रूस यहां से, 1.5 महीना तक लंगर डाल के खड़ा था। इसलिए हमेशा याद रखेगा, दो नए दोस्त से अच्छा एक पुराना दोस्त होता है। और आज भी हम लोग हमेशा खड़े रहते रूस के लिए, और अंदर तबाही मचाया था कौन, विग्रांत। विग्रांत खरीदा कहां से गया था, इंग्लैंड से, बड़ी गरियाया था हम भी इंग्लैंड। इसलिए देखिएगा जल्दी, अमेरिका वगैरह बड़ा हथियार भारत को बेचना नहीं चाहते। ओके, वैसे मैंने PNS गाजी मूवी देखी थी, लेकिन वापस से जो खान सर के मुंह से सुनते हैं पूरी हिस्ट्री, उसकी बात ही कुछ और होती है, ठीक है। एंड मुझे ना सबसे ज्यादा ये चीज अच्छी लगती है, खान सर ना बीच बीच में मस्ती करते रहते हैं और इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन, जैसे मैं पहले भी अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, उनकी लैंग्वेज जो है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है। और बीच में पता नहीं क्या एक फनी मोमेंट लेकर आ जाते हैं कि हंसी आनी आनी है ऐसे वाली चीजें। और ये नहीं है कि सिर्फ कॉमेडी ही, ठीक है, जब सीरियस बात करते हैं तो रुला भी देते हैं, जो मुझे अच्छे से एक्सपीरियंस है, ठीक है। एंड यस, वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, हर एक चीज वापस से जो है ना रिफ्रेश हो चुकी है। तो रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है, अब मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, एंड यस सब्सक्राइब जरूर कर लेना यहां तक देख लिया है तो। एंड आपकी रिक्वेस्ट जो है वो बाकी की खान सर की है, वो भी बहुत जल्दी आएंगी, तो वो वीडियोस आप लोगों से मिस ना हो जाए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो फिर मैं मिलती हूँ गाइज आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक खुद का ख्याल रखें, खुश रहें, एंड थैंक यू गाइज, टाटा, बाय बाय।